हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे वर्डप्रेस के बारे में। दोस्तों, वर्डप्रेस डिजिटल ओशन सर्वर में कैसे होस्ट होता है दोस्तों, तो मैं आपको वन बाय वन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस का जो सर्वर है, वर्डप्रेस का जो सेटअप है, उसको हम डिजिटल ओशन के सर्वर पे कैसे होस्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले वर्डप्रेस का डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी एक जीप फाइल, मतलब यहाँ से वर्डप्रेस सेटअप डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस डाउनलोड एंड इंस्टॉल। यहाँ पे दोस्तों प्रेस रिलीज मिलेगी आपको और यहाँ पे ऑल रिलीज मिलेगी। यहाँ पे सारा कुछ दोस्तों यहाँ पे मिल आपको मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम ये 959 ब्रांच यूज़ करेंगे। यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड करेंगे उसका। यहाँ पे देखिए जिप फाइल डाउन ऑलरेडी मेरे पास है शायद, देखिए यहाँ पे। तो इसको हम अभी दोस्तों यहाँ पे काम करते हैं, इसको जो है डिलीट कर देते हैं और ये हमारा पास जो है इसको कैंसिल कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी जो फाइल है उसको हम अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास सर्वर का सेटअप जो सर्वर का है कॉन्फ़िगरेशन है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास सर्वर ओपन हो चुका है दोस्तों, ये हमारा पाथ है। और यहाँ पे दोस्तों हम एक वर्डप्रेस का फोल्डर बनाएंगे और उसको यहाँ पे रन करेंगे। शायद ब्लॉग का एक फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। ब्लॉग में दोस्तों हम वर्डप्रेस का पूरा सेटअप रखेंगे। देखिए यहाँ पर मैं जो वर्डप्रेस का जो सेटअप है उसको यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अपलोड होगा दोस्तों पूरा, और इसको हम अनजिप करेंगे फिर दोस्तों इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, दो दो मिनट कह रहा है, तो शायद ये टाइम लगेगा 2 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट जो है वर्डप्रेस का जो सेटअप है, जीप फाइल है, वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। इसको हमको यहाँ पर जो चीज़ है उसको हम क्या करेंगे, अनजिप करेंगे। तो अनजिप, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अनजिप का कमांड और वर्डप्रेस ये जो हमारा फाइल का नेम है वो यहाँ पर देना पड़ेगा आपको, तभी जाके अनजिप होगा। यहाँ पर शायद कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को, अनजिप कैन नॉट फाइंड, शायद ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ कर देते हैं अनजिप, और हमारा जो पाथ है वो वेयर के अंदर, www के अंदर, एस्टिमेट के अंदर, टेस्ट के अंदर, स्लैश ब्लॉग, शायद ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ब्लॉग के अंदर हमारा जो फाइल है शायद ऐसा कुछ अनजिप करके कुछ होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर यह पूरा अनजिप हो चुका है और इसको हम क्लियर करते हैं एक बार, ठीक है। इसका अभी कोई काम नहीं है, इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम रिलोड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। रिलोड किया हमने और यहाँ पे देखते हैं हमने जो पूरा सेटअप था हमारा वर्डप्रेस का, जो पूरा यहाँ पे हमने अनजिप किया। देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस का पूरा सेटअप आ चुका है, और वर्डप्रेस का जो पूरा सेटअप है उसको मूव कर रहे हैं अब ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक के अंदर डाल रहे हैं, ब्लॉक के अंदर चला गया पूरा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो सेटअप है उसको हम डिलीट कर देंगे बाद में, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड स्टॉप कर देते हैं, डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हमारा ब्राउज और वर्डप्रेस का जो सेटअप है उसको हम एक स्टेप बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मूव टू किया हमने, और वर्डप्रेस का जो सेटअप है ब्लॉग फोल्डर के अंदर ले लिया हमने। देखिए यहाँ पे ये पूरा मूव हो रहा है, इंडेक्स डॉट पीएचपी, सारा कुछ ये जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ एक स्टेप बाहर मूव हो रहा है। ये थोड़ा एक दो मिनट का टाइम लेगा दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों आपको वन बाई वन सेटअप करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे पूरा जो सेटअप है वो यहाँ पे मूव हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे आप स्लैश ब्लॉग लिखेंगे, टेस्ट डॉट स्वैप इन्फो है स्लैश ब्लॉग, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा वर्डप्रेस का जो जो सेटअप है वो यहाँ पे रन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस का जो सेटअप है दोस्तों यहाँ पे वो रन हो चुका है। यहाँ पे लेट्स गो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमारा डेटाबेस का नेम वर्डप्रेस दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों हम नया डेटाबेस बना देते हैं वर्डप्रेस नाम से, नेम से। तो यहाँ पे वर्डप्रेस नेम से डेटाबेस बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा दोस्तों यूज़र नेम जो रूट है, यहाँ पे हमारा पासवर्ड आएगा, यहाँ पे लोकल होस्ट, ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा ये पासवर्ड डालने के बाद मैंने नेक्स्ट किया, तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा फाइल जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल दोस्तों यहाँ पे आपको सेटअप करनी है, तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों एक फाइल बनानी है wp-config.php, तो दोस्तों यहाँ पर क्रिएट करते हैं, क्रिएट फाइल wp-config.php। तो दोस्तों ये फाइल में ये जो सारा कोड है वो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पुट करना है, तो वो चीज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो कोड है वो पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया है, ठीक है। और इसको सेव करना है सिंपली, सेव करने के बाद इसको दोस्तों क्लोज करना है, ठीक है। क्लोज करने के बाद दोस्तों मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको रन द इंस्टॉलेशन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरा वो जो है वो आगे चला गया है। और यहाँ पे दोस्तों अभी कह रहा है कि साइट टाइटल देना है, तो ब्लॉग दे देते हैं, साइट का टाइटल एडमिन यूज़र नेम
पासवर्ड भी एडमिन, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड जो वीक पासवर्ड है वो यूज़ करेंगे, और यहाँ पे admin@gmail.com ये चीज़ भी हो गया दोस्तों। और यहाँ पे वर्ड इंस्टॉल वर्ड प्रेस, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपका वर्ड प्रेस जो सेटअप है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वर्ड प्रेस का जो सेटअप है सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे लॉगिन करके भी आप देख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका जो वर्ड प्रेस का सेटअप है वो यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों आप डिजिटल ओशन सर्वर में ऐसे कुछ सेटअप कर सकते हो, और कोई भी क्लाउड सर्वर जो होता है उसमें आपको ऐसे कुछ सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। तो आप ऐसे कुछ सेटअप करना है, और आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल मैंने आपको दिखाई मैन्युअली क्रिएट करके, तो वो चीज़ भी आपको करनी है सिंपली, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे कुछ आप सेटअप कर सकते हो, और मैंने जो दिखाया आपको यहाँ पे देखिए हमारा वर्डप्रेस का जो डेटा बेज उसमें भी डेटा आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि वर्डप्रेस का जो सेटअप है वो डिजिटल ओशन के सर्वर पे कैसे होता है, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पे क्लाउड सर्वर में ऐसे भी आप यूज़ करके वर्डप्रेस का जो सेटअप हो ऐसा कुछ कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।